दोस्तों, प्राचीन भारत में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ही प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम था। उस समय दरअसल होता ये था कि स्टूडेंट्स अपने गुरु के आवास में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं रहते भी थे, और गुरुजी उनको शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ध्यान देते थे। इस सिस्टम का एडवांटेज ये भी होता था कि गुरु और शिष्यों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता था। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी सीख लेते थे कि भविष्य में पारिवारिक जिम्मेदारियां कैसे निभाएं और समाज के साथ तालमेल कैसे बैठाएं। पर आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स बिल्कुल अलग हैं। हमारा गुरुकुल सिस्टम प्राचीन भारत में हर जगह फैला हुआ था और उस समय हम शिक्षा के मामले में किसी भी मुल्क से कम नहीं थे। इनफैक्ट भारत ने विश्व को जीरो दिया और वो भारतीय ही थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा विमान का वर्णन भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसे आज हम एयरक्राफ्ट नाम से जानते हैं। और तो और, हमारा प्राचीन मेडिसिन सिस्टम भी इतना विकसित था जिसमें काफी सर्जरी टेक्निक्स का भी उल्लेख है, जिसके बल पे सर्जरीज भी होती थी। दोस्तों, गुरुकुल सिस्टम तकरीबन 5000 ईसा पूर्व से हमारे देश में प्रचलित था। वैदिक काल के दौरान सांस्कृतिक और अनुशासित जीवन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। गुरु के आवास को गुरुकुल कहते थे और स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पूरी हो जाने तक वहीं रहते थे। सभी स्टूडेंट्स के साथ समानता गुरुकुल की मुख्य प्राथमिकता थी। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता काफी पवित्र था। और तो और, गुरुकुल में फीस का भी कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि फीस के बजाय सभी शिष्य अपने गुरु को सम्मान के रूप में गुरु दक्षिणा देते थे। दरअसल गुरुकुल सिस्टम स्टूडेंट्स के संपूर्ण विकास पर केंद्रित था और उस समय गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था। स्टूडेंट्स को प्रकृति के पास रखने के लिए उनकी पाठशालाएं जंगलों में होती थी। प्रैक्टिकल साइंस को भी विशेष महत्व दिया जाता था और उस समय मार्क्स पर फोकस ना होकर बेस्ट लर्निंग पे फोकस था। उस समय होमवर्क कंसेप्ट ना होने के कारण स्टूडेंट्स को स्किल्स लर्निंग में ज्यादा मदद मिलती थी। इसके अलावा उस समय आज की तरह रैट रेस या रैंक्स क्रेजीनेस भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। गुरुकुल सिस्टम स्टूडेंट्स को एथिक्स और प्रैक्टिकल वैल्यूज भी सिखाता था और प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जिस तरह आज थियोरेटिकल स्किल्स पे दिया जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हर एक स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल स्किल्स को पहचानना और निखारना, ना कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए रैट रेस। स्टूडेंट्स को आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाई जाती थी, जिसके बदले वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी देते थे। पर दुर्भाग्यवश 1835 के बाद हमारी गुरुकुल शिक्षा नीति समाप्त हो गई और उसकी जगह लॉर्ड मैकाले की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी लागू हो गई, जबकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रैट रेस की तरह है, जहां कॉन्शियस मोरल बिल्डिंग और एथिकल ट्रेनिंग मिसिंग है और स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के बजाय मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फोकस कमर्शियलाइजेशन पे ज्यादा है। फिजिकल ट्रेनिंग जैसी इंपॉर्टेंट स्किल्स या तो मिसिंग है या उसे बहुत कम महत्व दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को बाधित करता है। दोस्तों, प्राचीन गुरुकुल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट, जो उनको बैलेंस्ड लाइफ जीने में बहुत सहायक साबित होता है। और मेरा मानना तो यह है कि इस प्रकार की शिक्षा बहुत कम उम्र से ही स्टूडेंट्स को दी जाए, ताकि वो अपने जीवन में अपने काम, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जिम्मेदारियों और जो कुछ भी लाइफ में मैटर करता है उसके लिए कॉन्शियस डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसमें लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।